अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको इनक्रेज करता रहता हूं कि आपका हक है, अगर आपने 40 मार्क्स लिए हैं तो अपने डीओ ऑफिस से रब्ता करें, अपना एक डॉक्यूमेंट का सेट जमा कराएं, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, जैसे ही वेकेंट सीट खाली होगी आपको उस पर एडजस्ट किया जाएगा, 2 साल तक आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। काफ़ी दोस्त मुझे कमेंट देते हैं यूट्यूब चैनल पर कि सर हमारा तो कोई शेड्यूल नहीं आया, हम कैसे जाएँ डीओ ऑफिस। तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे पीएसटी का पूरे सिंध में शेड्यूल आ गया है, 40% मार्क्स वालों के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ले लिए हैं, अब जेईएसटी का जो शेड्यूल है वो आना शुरू हो गया है। इस वक्त पीएसटी शेड्यूल है मेरे पास सांगढ़ का, सांगढ़ के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को स्प्रेड करें, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक सांगढ़ डीओ ऑफिस जाएँ और वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी कराएँ डॉक्यूमेंट्स की, ताकि उनको जो है वो सेलेक्ट किया जाए वेटिंग कैंडिडेट के उस पर। अगर ये जो है वो लेज़ी होंगे, नहीं जाएंगे ऑफिस, तो उनकी जगह पे जो दूसरा वेटिंग होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। आपके सैलरी का इशू है, इस वक्त जो है वो सैलरी इंक्रीज़ हुई है, तो मुझे काफ़ी दोस्त जो है वो कह रहे हैं कि सर आप इस पर वीडियो बनाएं, तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस पर होगा कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ी है। इस दफ़ा मैं वो चार्ट भी आपके सामने रखूंगा जिस पे सैलरी जो है वो देखी जाती है कि कौन से स्केल की कितनी सैलरी बढ़ी है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को, जो कि सिर्फ एजुकेशनल अपडेट्स के लिए बना है, और एजुकेशनल अपडेट्स भी हम सिंध से देते हैं, सिर्फ सिंध प्रोविंस से, तो काइंडली आप जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं सिंध के, हमारे बहन भाई, उन तक ये चैनल पहुंचाएं, ताकि वो जॉब एडवर्टाइजमेंट से, जॉब प्रिपरेशन के लिए, और पीएसटी जेईएसटी के हवाले से, और 5 से 15 स्केल वैक्सीनेटर जॉब से उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आगाह रहें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप अस वॉचिंग एंड शेयर।